वन वेलकम टू डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर का लास्ट टॉपिक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ वेबर आल्सो तो तीन थिंकर्स हमारे हो गए मेन इंपॉर्टेंट थिंगर्स दुर्खेम कालमार्क्स एंड मैक्स वेबर नेक्स्ट हमारे तीन थिंगर्स बचते हैं उनके कम कम कॉन्सेप्ट दिए हैं बुक में ज्यादा टाइम उनमें नहीं लगेगा फाइन एंड दैट विल कम्प्लीट अर विच इज योस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी एग्जाम तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है तो आपको इस टॉपिक से ही पता चल रहा होगा इसमें दो चीजें आ रही हैं एक तो जहाँ हम प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात कर रहे हैं दैट मीनस यहाँ पे रिलीजन की बात आ रही है एंड वी टॉकिंग अबाउट स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यहाँ पे इकोनॉमी की बात आ रही है ठीक है तो मैक्स वेबर का इंट्रोडक्शन वगैरह सारा मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी आप प्ले लिस्ट में जाके मैक्स वेबर के स्टार्टिंग वीडियो देख सकते हैं जिसमें यू विल गेट एन आइडिया कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो किस तरीके की थी तो उन्होंने कहा था कि एक्शन को देखो एक्टर के एक्शन को समझने के लिए उसका मीनिंग देखो जो मीनिंग अटैच करता है वो एक्टर अपने एक्शन को ठीक है तो ज्यादा ग्रैंड चीजों की हमें जरूरत नहीं है हमें सिंपली एक्शन की मीनिंग्स को समझने की जरूरत है उन मीनिंग्स को जो एक्टर ने अटैच किए हैं अपने एक्शंस के साथ फाइन तो ये हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है अब हम प्रोटेस्ट प्रोटेस्टिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में देखेंगे कि उन्होंने साइंटिफिक मेथडोलॉजी से कैसे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था तो लास्ट आ, वीडियो में हमने आइडियल टाइप्स भी जो है इनका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है यहाँ पे लिंक देख रहे होंगे ऊपर आप आ, राइट हैंड साइड में तो उस पर आप क्लिक करके इनका वो आइडियल टाइप्स वाला वीडियो पहले देख सकते हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देखें बिकॉज मैं यहाँ पे वो डिटेल में नहीं बताऊंगी ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज एंड काफी रेपिटेटिव हो जाता है बच्चे बोर हो जाते हैं फिर एक ही चीज़ बार बार बोलने से तो आप वो वीडियो देखें उसके बाद कम बैक टू दिस वीडियो ठीक है तो आइडियल टाइप्स को यूज करके इन्होंने हमें ये

और माइक्रोफिनोमिना को इन्होंने स्टडी किया था इन टर्म्स ऑफ माइक्रो थिंग्स ठीक है इन्होंने माइक्रो तरीके से आपको एक जो है वो एक्सप्लेन करे थे एंड एंड इट इज़ ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेशन उनकी आइडिया का कॉजल फ्लोरलिज्म और प्रोबेबलिज्म ये क्या होता है कि एक चीज़ को कॉज करने का रीज़न सिर्फ एक ही नहीं होता मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी जैसे आपके आपकी मार्क्स ने दी थी उन्होंने क्या कहा था सारा उन्होंने उनको इकोनॉमिक डिटर्मनिस्ट भी बोला जाता है कि हर कोई चीज़ को उन्होंने इकोनमी से रिलेट किया था पर ये वो नहीं थे इन्होंने क्या किया था इन्होंने अलग अलग फैक्टर्स बताए थे जो किसी चीज का कॉज बनते हैं अब इस टॉपिक में क्या है देखो इन्होंने कहा था कोई रिलेशन है इस रिलीजन के चीज में प्रोटेस्टेंट्स के चीज प्रोटेस्टेंट्स के प्रिंसिपल में एंड कैपिटलिज्म में तो इसमें इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है राइज ऑफ कैपिटलिज्म को तो इन्होंने कहा था कैपिटलिज्म के राइज होने का एक बहुत बड़ा रीजन है जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनकी आइडियोलॉजी आप प्रोटेस्टेंट्स कौन से होते हैं देखो क्रिश्चियनिटी में आपके कैथोलिक्स हैं एंड प्रोटेस्टेंट्स हैं कैथोलिक्स हो गए आपके जो चर्च पे बिलीव करते हैं कैथोलिक चर्च वगैरह आपने सुना हो ये नाम कैथोलिक्स ठीक है तो चर्च को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ऑल्दो दे अपह, दे अपहोल्ड बाइबल बाइबल को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन ये अथॉरिटी ऑफ चर्च पोप वगैरह वो नहीं मानते हैं तो इन्होंने क्या किया इन्होंने प्रिंसिपल लिए थे प्रोटेस्टेंट्स के फिर इन्होंने कहा था देखो ये जो प्रिंसिपल हैं प्रोटेस्टेंट्स के प्रोटेस्टेंटिज्म जो आपको समझाता है ये एक बहुत बड़ा रीजन बना फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म अब वो एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन किया अपनी साइंटिफिक मेथडोलॉजी से जिसका नाम है आइडियल टाइप्स तो आइडियल टाइप्स मैंने आपको बताया था कंपैरिजन करने के भी काम आता है अगर आपको दो फिनोमिना सेपरेट को कंपेयर करना है वॉट यू कैन डू इज यू कैन ड्रॉ द आइडियल टाइप्स ऑफ बोथ द फिनमिना एंड यू कैन कंपेयर दैम फिर आप बोल सकते हो क्या एक चीज दूसरे का कॉज है या नहीं तो इसमें इन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म का आइडियल टाइप बनाया फिर इन्होंने कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप बनाया फिर अपने उस प्रोटेस्ट अपने उस आइडियल टाइप से जो इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स और कैपिटलिज्म के लिए बनाया था उसे बात बताई और प्रूव की कि प्रोटेस्टेंट्स के जो प्रिंसिपल हैं वो आपको इस तरफ ले जाते हैं कि कैपिटलिज्म का राइज होना ही था वो अब क्या आइडियल टाइप्स है वो सारा हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम ये होता क्या है और हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे ये है कि आपका रिलीजन प्रोटेस्टेंट्स खासकर प्रोटेस्टेंटिज्म को ही इन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रोटेस्टेंटिज्म का एक पार्ट है एक सब टाइप आप बोलो एक आइडियोलॉजी है कैलवनिज्म की तो कैलवनिज़म जो है कैलवनिस्ट है उसको इन्होंने लिया था उसका आइडियल टाइप ड्रॉ किया फिर इन्होंने कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप ड्रॉ किया फिर इन्होंने कहा यूरोप में क्यों हुआ राइज कैपिटलिज्म का क्योंकि वहाँ पर जो कैलवनिस्ट की आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे लोग और अल्टीमेटली वो आपको ले गए कैपिटलिज्म की तरफ ठीक है तो इन्होंने अपने थ्रू माइक्रो माइक्रो जो पहले बात की थी ब्लेंड ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो तो वो भी इन्होंने इसमें एक्सप्लेन की कि आप मैक्रो चीजों को माइक्रो माइक्रोफिनोमिना से भी एक्सप्लेन कर सकते हो रिलीजन कैपिटलिज्म वगैरह सारे माइक्रोफिनोमिना है उसे इनने इन इसने माइक्रो पर्सपेक्टिव से उसको एक्सप्लेन किया मै ma माइक्रोफिनोमिना को माइक्रो पर्सपेक्टिव से कैसे क्योंकि इन्होंने आइडियल टाइप बनाया तो छोटी छोटी चीजें पकड़ के आप एक माइक्रोफिनोमिना को डिस्कस कर रहे हो डिस्क्राइब कर रहे हो क्लूजल प्लू कॉजल प्लोरलिज्म का आइडिया भी इनका इसमें बैठता है फिट क्योंकि इन्होंने मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन नहीं दी कैपिटलिज्म के पीछे इन्होंने कहा रिलीजियस फैक्टर भी है जो हम इसमें देखेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक्स में एंड इन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो है वो भी रीजन बनते हैं आपके कैपिटलिज्म के राइज के सिर्फ रिलीजन अलोन जो है वो कैपिटलिज्म को राइज नहीं दे सकता है आपको बाकी चीजें भी चाहिए तो इन्होंने इसमें स्पिरिट एंड सब्सटेंस की बात की थी कि आपके पास ठीक है रिलीजन तो आपको बोल रहा है प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि कैपिटलिज्म जो है है वो बूस्ट हो रहा बट यू ऑल्सो नीड सम कैपिटल आपको पैसों की जरूरत है आपको पॉलिटिकल uh, लॉज ऐसे होने चाहिए जो फेवर आपके कैपिटलिज्म को राइज होने में ये ये बातें भी भी इन्होंने कही जिससे प्रूव होता है कि कॉजल प्लूरलिस्ट थे वो अब मैं बार बार ये बात क्यों कह रही हूँ क्योंकि कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है आए ऐसे भी आ सकता है ना कि कैसे उन्होंने कॉजल प्लूरलिस्ट अप्रोच किया तो ये भी आप उसमें आप ये वाली थियोरी भी लिख सकते हो कि उन्होंने जब अपने प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्प्रिट ऑफ कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन किया तो वहां पे भी उन्होंने कैपिटलिज्म के राइज में सिर्फ एक ही चीज नहीं कही तीन तीन चीजों को उसका फैक्टर बताया ठीक है उसकी जो स्टडी ऑफ कैपिटलिज्म थी दैट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म अनलाइक मार्क्स उन्हें सिर्फ प्रिमेसी किसको दी थी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड मेटीरियल मेटीरियल आस्पेक्ट को ठीक है वो ही हीज कंसर्न विद प्रोटेस्टेंटिज्म प्रोटेस्टिज्म सिस्टम ऑफ आइडियाज और इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ दूसरे सिस्टम ऑफ आइडियाज से पे, जो है आपका स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और अल्टीमेटली ऑन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम तो उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था उन्होंने कहा मॉडर्न यूरोप में बिजनेस लीडर्स ओनर्स ऑफ कैपिटल एज वेल एज हायर ग्रेड्स ऑफ स्किल लेबर्स और एंड इवन मोर द हाई टेक्नोलॉजिकली एंड कमर्शियली ट्रेनड पर्सनल ऑफ मॉडर्न एंटरप्राइज आर प्रेडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट ठीक है तो इन्होंने क्या देखा मॉडर्न यूरोप में जहाँ पे आपका कैपिटलिज्म जो है वो बूस्ट हुआ इमर्ज हुआ कि वहाँ के जो लीडर्स हैं जिनके पास पैसे थे ओनर्स ऑफ कैपिटलिज कैपिटल जो हैं और जो हायर ग्रेड्स ऑफ स्किल लेबर्स हैं वो वो लोग थे जो मोस्टली प्रोटेस्टेंट्स थे तो इससे इन्होंने रिलेट किया दैट मीन्स जो भी कैपिटलिज्म के लिए इम्पॉटेंट लोग हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके प्रोडामिनेटली प्रोटेस्टेंट है चाहे वो लीडर्स हों या पैसे वाले लोग हों या हाईली ट्रेन स्किल्ड प्रोफेशनल्स हों वो सारे आपके मेजरली वो आपके प्रोटेस्टेंट्स हैं तो क्या कोई रिलेशन है प्रोटेस्टेंटिज्म और कैपिटलिज्म में उसको इन्होंने डिस्कवर करने की कोशिश की काफी टेक्निकल चीज है बहुत टेक्निकल चीज है और एक्सप्लेन आपको समझने में भी काफी इजी लगना चाहिए आई होप देखो इन्होंने कहा जो वहां पे बिजनेस लीडर्स थे ओनर्स ऑफ कैपिटल वगैरह थे और जो हायर स्किल्ड लेबरर्स थे वो सारे जो ये चीज ये जो लोग है, ये जरूरे हैं ये जरूर है यहाँ पे कैपिटलिज्म के राइज के लिए ठीक है और ये सारे लोग जो हैं ये मेजरली ये कौन थे प्रोटेस्टेंट्स तो अब इसको फिर ये चीज डिस्कवर करने में इसका इंटरेस्ट बढ़ा इसने ऑब्जर्व की कि दैट मीन्स अगर ये सारे कैपिटलिस्ट हैं तो क्या कोई रिलेशन है कैपिटलिस्ट और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में उसको इन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश की ठीक है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स दी साइंटिफिक मेथोडोजी यूज बाय वेबर इन हिज थियोरीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द पॉसिबल कोरिलेशन वेबर ने क्या किया अब अभी तक तो हुआ इनको क्या करना था अब इन्होंने किया क्या इन्होंने आइडियल टाइप बनाया कैपिटलिज्म का और प्रोटेस्टेंट एथिक्स का कैपिटलिज्म में उन्होंने कैलवनिज्म जो है एज अ मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स उसको चूज किया आइडियल टाइप बनाने के लिए अब आइडियल टाइप देखते हैं क्या बनाए थे इन्हें कैलवनिज्म के और कैपिटलिज्म के कैलवेनिज्म में पहले जो फॉलो करते हैं कैलवनिस्ट लोग वो है डॉक्ट्रीन ऑफ प्री डेस्टिनेशन दैट मीन्स आपकी जो डेस्टिनी है ये प्री डिटर्मिंड है और इनका मानना है कि जो लोग कुछ अपनी डेस्टिनी के बारे में कुछ खास पता नहीं है क्योंकि दैट इज डिटर्म बाई गॉड उससे लोगों में एंगजाइटी जनरेट होगी और उसको ओवरकम करने के लिए इस दुनिया में क्या करेंगे चाहेंगे की उनके पास पैसे हो मनी हो इस वजह से वो किस पे ध्यान देंगे अपने काम पे ताकि वो ये बता सकें कि अगर इस दुनिया में वो अच्छा काम कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं दैट मीन दे आर द चूज वंस अब चूज वंस बोलने का क्या तरीका है आप जो इस दुनिया में एक दुखी वाली जिंदगी जी रहा है दुख में है ठीक है उसके पैसे भी कम हैं गरीबी भी है वो तो नहीं बोल सकता ना कि आई एम चूज वन वो कौन बोलेगा जिसकी एटलीस्ट लाइफ जो है वो पैसों के हिसाब से वो कोई प्रॉब्लम में नहीं है वो बोल सकता है ना कि किस वन ठीक है तो गरीब तो नहीं बोलेगा अमीर ही बोलेगा चोजेड वन उसको चोजन वन बताने का क्या तरीका है कि वो काम पे ध्यान दे तो ये चीज किसकी तरफ आपको ले जाएगी ऑब्वियसली कैपिटलिज्म की तरफ क्योंकि वहां पे आपको क्या करना है काम करना है दिस दैट मींस इस दुनिया में आप ज्यादा लग्जूरियस लाइफ में आप इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे आपका लाइफ स्टाइल जो है वो काफी फ्रूगल काफी सिंपल लाइफ स्टाइल होगा ये रिलीजन कहता है सिंपल लाइफ स्टाइल दैट मीन्स कम पैसे खर्च करना कम पैसे खर्च करना मीन्स ज्यादा सेविंग ज्यादा सेविंग मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को फायदा ठीक है तो आपका अल्टीमेटली ये किसको बूस्ट करेगा आपके कैपिटलिज्म को ऑल वर्ल्ड इज वर्ल्ड वर्क इज सेक्रेड दैट मींस वर्क इज वर्शिप अगेन एंड वर्क इज़ नॉट मेयरली वर्क इट इज़ अ कॉलिंग ये एक्चुअली आप इसको रिलेट कर सकते हो डॉक्ट्रीन ऑफ कॉलिंग से डॉक्टरिन ऑफ कॉलिंग होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो दैट यू आर बींग कॉल्ड टू डू दैट वर्क बाई गॉड हिमसेल्फ दैट मीन्स गॉड ने ही हैज़ चोजन दैट जॉब दैट वोकेशन फॉर यू अगर आपके दिमाग में ये होगा आप बिल्कुल sincerity के साथ अपना काम करोगे और इसका फायदा अल्टीमेटली कैपिटलिज्म को ही होगा गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर इज ओन ग्लोरी दैट मीन्स ए वर्ल्ड गॉड ने क्रिएट की है गॉड ने क्रिएट किया है इस वर्ल्ड को ये अनलाइक दुर्खेम जिन्होंने कहा था कि सोसाइटी ने ही रिलीजन को बनाया है गॉड खुद अनोएबल है ठीक है तो एक सुपर नेचरल एक्सप्लेनेशन है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड दैट मीन्स आपको सोसाइटी नहीं बना रही है आपके रिलीजन को आपको उन चीजों पे ध्यान नहीं देना इस दुनिया में आए हो ये आपको बताना है आप चूजन वन हो गॉड की जो है अनोएबल हो यू कैन नॉट नो हिम तो बीच में जो मीडिएटर्स वगैरह है उस पर भी आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे आप क्या करोगे वर्क इज वर्शिप अपना काम करो ठीक है तो ये सारी चीजें आपको किसकी तरफ ले जाएंगी अल्टीमेटली ये भूज दे सकते हैं एक आइडियोलॉजी को इकोनॉमिक सिस्टम को जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म कोई मीडिएशन या प्रीस्ट आपकी हेल्प नहीं करता है इन नोइंग गॉड तो वो सारी चीजों पर आप ध्यान नहीं दो आप ध्यान बस अपने काम पे दो वेल्थ जो है इट हैज टू बी कंजर्व एंड डिवोटेड टू गॉड रिच इज अर्न थ्रू हार्ड वर्क शुड नॉट बी स्पेंट ऑन लग्जरीज बट इन द ग्लोरी ऑफ गॉड अगेन आपको ग्लोरी ऑफ गॉड में आप क्या करोगे चर्च में जाके कैंडल जलाते हो ठीक है या अगर आपका कोई रिलीजन है जो जिसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म से रिलेटेड है तो रिलीजन में आप मिनिमल कितना ही स्पेंड कर लोगे फिर अल्टीमेटली इसका कहना यही है कि जो आपने रिचेज अर्न किए हैं उनको लग्जरीज पे मत स्पेंड करो तो जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा जो आपके पास सेविंग रह गई होगी जो हमें अगेन दिस वर्ल्डली एसेटिज्म के पॉइंट की तरफ ले जाता है तो आप उस पैसे से क्या करोगे आप वो पैसे री इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में बिजनेस को ग्रो करोगे क्यों क्योंकि आपको बताना है कि यू आर द चूजन वंस तो ये सारे आइडियल टाइप्स जो हैं इस रिलीजन को जब स्टडी किया वेबर ने तो उन्होंने देखा कि एक रिलेशन है इस प्रिंसिपल्स uh, में इस रिलीजन uh, जो है कैल्वनिस्ट प्रोटेस्टेंट्स इनके रिलीजन में इसके प्रिंसिपल्स में वो आपको आहिस्ता आहिस्ता कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ले जा रहा है इसीलिए जो कैपिटलिज्म हैं जैसे आपके जिनके पास काफी पैसा है वही तो बनेगा ना एक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होगा जिसके पास कैपिटल होगा जिसके पास पैसे होंगे या आपके बिजनेस लीडर्स हैं या हाई ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं वो सारे इसी आइडियोलॉजी पे बिलीव मोस्टली मेजरली वो इसी आइडियोलॉजी को मानने वाले थे तो इस वजह से इन्होंने इन दो चीजों के बीच में रिलेशन जो है वो डिस्कवर

वर्क शुड भी डन डन वेल वर्क इज़ फॉर एन एंड कॉल्ड प्रॉफिट ठीक है कैपिटलिज्म ऑनर्स इंडिविजुअलिज्म इनोवेशन प्रॉफिट परसुट एंड हार्ड वर्क तो ये जो आइडियल टाइप्स हैं ये ऑब्वियसली रिलेट करते हैं इंडिविजुअुअलिज्म कैपिटलिज्म क्या बोलता है इंडिविजुअुअलिज्म को और जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो क्या बोलते थे वो चर्च को वैल्यू नहीं करते थे बाइबल को मानते थे वो कहते थे खुद इंटरप्रिट करो ठीक है तो इंडिविजुअलिस्ट ये हो गया वो ये हर्ड चीज़ फॉलो नहीं करते थे कि सारे जो चर्च बोल रहे हैं वही सारी चीजें सही है वो खुद रिसर्च करने पे बिलीव करते थे इनोवेटिव थे प्रॉफिट परसेप्ट एंड हार्ड वर्क ठीक है प्रॉफिट काम करो प्रॉफिट के लिए फाइन काम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं करो जो पैसे आएंगे वो सेव करो आपको रिलीजन तो बोल रहा है सेव करो रिलीजियस पर्पज वगैरह के लिए लेकिन ये आइडियोलॉजी आपको कहाँ ले रही है कैपिटलिस्ट की तरफ सेविंग पे ध्यान दो इस पे ध्यान नहीं दो कि पैसे रिलीजन पे खर्च करो वो आइडियोलॉजी आपको सेविंग की तरफ ले रही है तो जहां सेविंग की बात आ गई वहां इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की ही बात आएगी फाइन और जो वर्क है मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम में ऑर्गेनाइज है रैशनली जैसे आपको रिलीजन या प्रोटेस्टेंट्स हो कैथोलिक्स हो कोई एक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज मानेगा कोई एक चीज मानेगा अगर एक ग्रुप है वो एक आइडियो वो एक ग्रुप इसीलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज है वो एक प्रिंसिपल पे बिलीव करता है उनके कुछ अपने बिलीफ्स हैं जैसे कैपिटलिज्म के अपने कुछ बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स हैं तो ये दो आइडियल टाइप्स डेवलप किए इनको कंपेयर किया जिससे इनने ये प्रूव किया कि हाँ प्रोटेस्टेंट्स जो है उसका रिलेशन प्रोटेस्टेंटिज्म का जो रिलेशन है आपके कैपिटलिज्म से ये था इनका आ, ये टॉपिक का मेन आइडिया आफ्टर डेवलपिंग ये दो आइडियल टाइप्स उन्होंने कंपैरिजन ड्रा किया तो इससे हमें ये भी पता चलता है कंपैरेटिव स्टडी की उन्होंने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव स्टडी जो थी इनकी मेथडोलॉजी थी ठीक है डॉक्ट्रीन ऑफ प्री ने क्या किया मैंने एक्सप्लेन किया है अनसर्टेनिटी एंग्जाइटी क्योंकि डेस्टिनी आपको पता नहीं थी और एक इनसे्योरिटी सी फीलिंग आ गई थी उनको इसकी वजह से वो ज्यादा सक्सेस इन दिस वर्ल्ड में ध्यान देने लगे क्योंकि उनको बताना था कि दे आर दी चूजन वन इन दैट वर्ल्ड कैलविनस ने क्या किया ट्राई टू रैशनलाइज द रिलीजियस टेन इन सर्च ऑफ सेलिवेशन एंड एज अ रिजल्ट हार्ड वर्क इन एसेटिसम वो सीन एज एवेन्यू टू ओवरकम द फेयर ऑफ अनसर्टन ठीक है हार्ड वर्क और एसेटिसम जो है उसको अनसर्टेन uncertain, जो अनसर्टेनिटी उनको जनरेट हो गई थी रिलीजन uh, की वजह से रिलीजन के उस डॉक्टरीन uh, की वजह से रिलीजन ऑफ प्री डॉक्टर की वजह से उसको ओवरकम कम किया हार्डवर्क से और एसेटिसिज्म से कि लग्जरियस लाइफ पे ज्यादा ध्यान नहीं दो फ्रूगल लाइफ स्टाइल रखो अपना और हार्ड वर्क पे ध्यान दो और इस दुनिया में जो है आप काम करो बस गॉड जो है वो अनोएबल है आपको वो मीडिएटर्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना होगा वेबर सीज रोल ऑफ करिज्मिक लीडर्स ऑल्सो इन दिस डेवलपमेंट हार्डवर्क पे भी ध्यान दिया दैट इज रिक्वायर्ड फॉर राइज़ ऑफ कैपिटलिज्म एसेटिसिज्म जो है प्रोड्यूस सेविंग्स एंड मच नीडेड री इन्वेस्टमेंट ठीक है जो आपको कैपिटलिज्म को ग्रो करवाने में नोशन ऑफ कॉलिंग जो मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलिंग की बात कही थी मेड देम हार्ड वर्किंग एंड सिमिलरली अदर एथिक्स ऑफ कैलविजम वर ऑल्सो सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म देखो आगे वेबर ने कहा था कि इलेक्टिव एफिनिटी है सम एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बीच में जब दो चीजों के बीच में इलेक्टिव एफिनिटी होती है दैट मींस उनके जो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ प्रिंसिपल आइडियल्स हैं वो सेम uh, या उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है तो वो उन्होंने कहा देर अ कोइंसिडेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म दैट मीन्स कैपिटलिज्म के जो कुछ प्री रिक्विजि हैं कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं ताकि कैपिटलिज्म बूस्ट करे वो और प्रिंसिपल्स ऑफ कैलवनिज्म के बीच में रिलेशन है दैट मीन्स कैलविनिज्म आपको कोई ऐसे प्रिंसिपल्स दिखाता है जो प्रिंसिपल जरूरी है फॉर द रिक्वा वो रिक्वायर्ड है या प्री रिक्विजिट्स हैं जरूरी है फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म वो इन्होंने अपनी थियोरी में प्रूव किया ठीक है अब आपको पता है दैट मीनस ए मोनोकॉजल एक्सप्ले मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन सिर्फ नहीं देते थे ये कहते थे एक चीज का कॉज एक से ज्यादा होता है इसको उन्होंने आगे क्या कहा कि प्रोटेस्टेंट एथिक जो है ओनली प्रोवाइडेड स्पिरिट ले, लेकिन अदर फैक्टर्स भी हैं फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म लाइक सब्सटेंस दैट मीनस हमने स्पिरिट एंड सब्सटेंस की बात की कि स्पिरिट तो आपको रिलीजन से मिल गया लेकिन आपको सिर्फ स्पिरिट नहीं चाहिए फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म आपको कुछ सब्सटेंस भी चाहिए वो सब्सटेंस किस रूप में आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ठीक है आपको रिलीजन तो आपको वो टीचिंग्स दे रहा है जो राइज ऑफ कैपिटलिज्म के लिए जरूरी है लेकिन आपको पैसे भी तो चाहिए ना सिर्फ आपको रिलीजन से तो कैपिटलिज्म राइज नहीं होगा आपको पैसे चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए फाइन तो इन्होंने एक अपना ये थ्योरी जो थी वो यहां से भी आगे पुट फॉरवर्ड की लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू माइकल शिया इन इज आर्टिकल दैट एथिक एंड लैंग्वेज ऑफ ऑस्टेरिटी जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है डज नॉट रेफर टू द स्पिरिट इन द मेटाफिजिकल सेंस बट रादर अ सेट ऑफ वैल्यूज ठीक है ये भी अंडरस्टूड uh, है वेबर बिलीव इन प्लुरैलिटी ऑफ कॉजिस इन हज थिरी डोल वेरिएबल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट एंड सब्सटेंस ये क्लियर हो गया स्पिरिट आपको रिलीजन से मिला फाइन और सब्सटेंस आपको कैसे मिला इन द फॉर्म ऑफ न्यू फैक्ट्री सिस्टम न्यू टेक्निक्स न्यू टूल्स मशीन्स या पोलिटिकल सिस्टम फॉर स्टेबल गवर्नेंस एंड मार्केट देखो जो भी कंट्री uh, हो स्टेट हो अगर वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो चल रहा होता है एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है गवर्नेंस स्टेबल नहीं होती है फाइन तो वहां की जो इकॉनमी है वो उतनी ज्यादा बूस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि वो बाकी चीज़ों में ही लगे रहते हैं हर टाइम वहां पे कहाँ से इकॉनमी बूस्ट करेगी कौन अपनी फैक्ट्रीज वहाँ सेटअप करेगा जो कि कॉन्फ्लिक्टिडन एरिया है ठीक है तो आपको पॉलिटिकली भी ठीक होना पड़ेगा पॉलिटिक्स को भी ठीक होना पड़ेगा आपके रिलीजन को भी ठीक होना पड़ेगा और आपकी बाकी चीजों को भी ठीक होना पड़ेगा आपकी इकॉनमी को ठीक होना पड़ेगा जहां पे आपको पैसे वगैरह ठीक ठाक आपके पास हों तभी आप कैपिटलिज्म को राइज कर सकते हो फॉर एग्जाम्प फर्दर वेबर ट्राई टू देखो फर्दर वेबर ट्राई टू वेलीडेट दिस को रिलेशन थ्रू हिस्टोरिकल कंपेरेटिव स्टडीज ऑफ वेरियस वर्ल्ड रिलिजन हिस्टोरिकल कंपेरेटिव स्टडीज में क्या करते हो आप डिफरेंट हिस्टोरिकल सोसाइटीज या इवेंट्स उनको कंपेयर करते हो बाद में उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को नोट डाउन करते हो तो इन्होंने अलग अलग रिलीजन को कंपेयर किया हिस्टोरिकल रिलीजन को स्टडी किया कंपेयर किया और ये बताया कि वहां अगर कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ ठीक है इस चीज़ से इनकी अपनी थ्योरी को भी वैलिडेशन मिली क्योंकि इनकी जो सोसाइटी थी जिसको ये स्टडी कर रहे थे वेस्टर्न यूरोप सोसाइटी को वहाँ पे वो स्पिरिट और सब्सटेंस दोनों चीजें थी इस वजह से राइज ऑफ कैपिटलिज्म हुआ डेवलप द आइडियल टाइप ऑफ दोज एंड फ्रूड बाई कैपिटलिज्म इन दियर इन दियर कंटेक्स इन अदर कंट्रीज जैसे इन्होंने अपनी बुक लिखी थी रिलीजन ऑफ चाइना उन्होंने इनमें कंक्लूड किया द डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ डेवलप्ड इकॉनमी ट्रेड एंड कॉमर्स ये सारी चीजें तो थी लेकिन स्पिरिट एबसेंट था उनका जो रिलीजन था कन्फ्यूशिज्म कन्फ्यूश एथिक्स जो थे वो परमिट नहीं करते थे राइज ऑफ कैपिटलिज्म क्योंकि स्ट्रेस करते थे कलेक्टिव हार्मनी ट्रेडिशनलिज्म फैमिली ओब्लीगेशन पे और वहाँ पे क्या था वो इंडिविजुअलिज्म था ठीक है प्रॉफिट ऑरिएटेड था

ठीक है आपको खत्म हो जाएगी इन द सेंस कि ये चीजें जो है इस दुनिया की वो आपको नई दुनिया में काम पुनर्जन्म में ये आ, उसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा अगर यहाँ अच्छे कर्म नहीं करोगे तो पुनर्जन्म में आप कुछ भी बन सकते हो फाइन तो पुनर्जन्म के लिए काम करो तो ये चीज नहीं थी कि गॉड अनोएबल है वो वो सारी चीजें सुपर नेचुरल चीजों पे ध्यान नहीं था कि आप अच्छे कर्म करो ताकि आपको नेक्स्ट लाइफ में जब वापस आप वापस आओ अच्छे इंसान बन के आओ तो इन चीजों पे फोकस था इस वजह से राइज ऑफ कैपिटलिज्म नहीं हो पाया ठीक है इन इंडिया टू सब्सटेंस तो था बट स्पिरिट वॉज एबसेंट एज देर वर मेनी स्ट्रक्चरल बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ कास्ट स्पिरिचुअल बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज ऑफ कर्मा एंड पुनर्जन्म एज ए रिजल्ट हिंदूज के लिए एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट वहां पे क्या था वो एंग्जाइटी जो इनसेक्योरिटी जनरेट हुई थी उसको उन्होंने काम से दूर किया ताकि वो बताएंगे दैट वी आर द चूजन वन लेकिन हिंदुइज्म uh, में ऐसा नहीं था एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड वाज नॉट इम्पोर्टेंट कि पैसे कमाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कर्म अच्छे करो ताकि पुनर्जन्म में आप कोई अच्छे uh, इंसान बन के कोई अच्छी चीज बन के पैदा हो जाओ सिमिलरली जुडेइजम में इन हिज एंशियंट जुडेजम जुडेस्ट एथिक्स हैव प्रोमोटेड कैपिटलिज्म लेकिन हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो थे स्कैटर्ड ज्यूज ज्यूज का आपको पता ही कितना इशू चल रहा था इस वजह से कैपिटलिज्म पर ध्यान नहीं मतलब हराइज नहीं हो पाया कैपिटलिज्म सो द स्पिरट ऑफ वॉज देयर बट सब्सटेंस वॉज नॉट देयर का इकोनॉमिकली और आप बोल सकते पॉलिटिकली ठीक है उनका सबस्टेंस जो है वो एब्सेंट था क्योंकि वो तो भाग ही रहे थे ना एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह जा रहे थे तो वो सारे इश्यूज की वजह से कैपिटल वहां पे डेवलप नहीं हुआ दुर्खे मेरे अच्छा अभी खत्म आपका टॉपिक आप समझ गए ये जो हमने एक्सप्लेन किया पे सारा आइडियल टाइप ऑफ कैलविनिज्म और आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म उनको रिलेट करके ये बताया कि कैपिटलिज्म के राइज में जो रिक्वायरमेंट्स थी कैपिटलिज्म के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपको कहाँ से मिली थी फ्रॉम दी प्रिंसिपल ऑफ कैलवनिज्म ठीक है ये इनका बेसिक आइडियोलॉजी थी इस टॉपिक की और वर्ड बाय वर्ड मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है अब देखो दुर्खीम ने जनरलाइजेशन की थी फ्रॉम नैरो एग्जांपल उन्होंने क्या किया था आप उनकी थेरी को क्या बोल सकते उन्होंने आपको एबोर्जनल वो ऑस्ट्रिया वो ऑस्ट्रियन ट्राइब मैंने आपको बोला था अरुणटास ठीक है वहां से वहां, उनका अरुणासम वो एक छोटी चीज से फिर रिलीजन को जनरलाइज किया था लेकिन दुर्खेम ने क्या किया इसका उल्टा किया इन्होंने एक ग्लोबल चीज पढ़ी इन्होंने मेजर रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड पढ़े और वहां से आपको एक छोटी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने लगे हिज राइटिंग ऑल्सो डिफर फ्रॉम दोज ऑफ दुर्खेम इन द सेंस दैट हिज राइटिंग कंसेंट्रेट ऑन रिलीजन एंड सोशल चेंज समथिंग दैट दुर्खेम गेव लिटिल अटेंशन टू ठीक है रिलीजन से कैसे सोशल चेंज हुई राइज ऑफ कैपिटलिज्म हुआ ये आपको वेबर ने बताया दुर्खेम ने इस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया वेबर के जो था आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म इनको फॉलोइंग क्राउंड पे क्रिटिसाइज किया जाता है पहला हुआ एरोनियस क्यों था क्योंकि उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया सर्टन आस्पेक्ट ऑफ रिलीजन उन्होंने आइडियल टाइप्स में कुछ कुछ पॉइंट्स ही लिए और इग्नोर दग्नोर द अदर्स इसमें कॉन्फ्लिक्टैर की बात इन्होंने नहीं की थी ऑल्सो इट इज ऑल्सो आर्ग्यूथ डॉक्ट्रीन ऑफ कॉलिंग वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट अमंग दैथलिक्स तो कैथोलिक्स में भी था डॉक्ट्रीन ऑफ कॉलिंग तो वहां पे क्यों नहीं डेवलप हुआ उनमें क्यों नहीं हुआ फिर राइज ऑफ कैपिटलिज्म वो एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया थर्ड पॉइंट देखते हैं ही सीन्स टू बी सिलेक्टिव वाइल ड्रॉइंग एलिमेंट्स फॉर इज एनालिसिस फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मिल्टन सिंगर उन्होंने क्या किया ही टूक सिलेक्टिव एलिमेंट्स आउट ऑफ हिंदुइजम क्योंकि इन्होंने कहा चेटियर्स ऑफ मद्रास जो है उनमें इक्वलेंस है कैलवनिस्ट की उनकी टीचिंग्स की वो जो चेटियर्स ऑफ मद्रास है उनका बिलीफ ऐसा ही है जो कैलवनिस्ट का है कैलवनिज्म है तो वहाँ कैपिटलिज्म क्यों नहीं फिर डिवलप हुआ ठीक है तो काफी सिलेक्टिवली उन्होंने अपनी थियोरी जो है वो पुट फॉर्व की लॉरेंस स्टोन स्टडी ऑफ इंग्लैंड इन्होंने कहा कि इट वॉज नॉट दी प्रोटेस्ट एथिक्स बट ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी जो विच अकाउंटेड फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है जो एलिट क्लास मोस्टली होती है उनके पास आपका पावर होता है सारा वो रूल करते हैं चाहे वो वेल्थ एजुकेशन वाइज हो या ट्रेडिशनल उनके पास पावर हो तो दैट अकाउंटेड फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड नॉट जो वेबर ने कहा विच इज प्रोटेस्टेंटिज्म ठीक है तो दिस कंप्लीट्स वेबर इसका थोड़ा हम अब ये देख लेते हैं कंक्लूजन uh, कंट्रीब्यूशन जो था वो इमेंस था रोज अबाउ दी पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म डिबेट दोनों चीज को क्लब किया एनरिच किया डिसिप्लिन को एंड द स्कोप ऑफ डिसिप्लिन वगैरह ठीक है जनरल सी बातें जब अपने कंक्लूजन में वेबर के लिख सकते हो आपको हमेशा पॉजिटिव नोट पर आंसों को कंक्लूड करना है ही नेवर क्लेम्ड ऑफ गिविंग यूनिवर्सलिस्टिक थियरीज उन्होंने फोकस किया स्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट थ्रू मल्टी कॉजल approach. वो कैसे वो भी बात prove हो गई ठीक है लास्ट पैरा में देखते हैं करंट रेलेवेंस क्या उनके अभी आइडियाज की है कि नहीं क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि करंट सोसाइटी में कैसे रिलेटेड है तो उन्होंने आयन की जो रैशनैलिटी दिया था लास्ट टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आदमी की अपनी जो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंस क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है वो ही इज रिड्यूस्ड मेयर कॉग इन द मे मैंने कहा था वो क्या होता है ठीक है तो उसका जो प्रोग्नोसिस था ब्यूरोक्रेसी का वो आज भी सच है कहीं ना कहीं और एक कॉन्सेप्ट को यूज किया है एक्सप्लेन uh, करने के लिए अपने मॉडल को बाय जॉर्ज रिट्जर इन्होंने मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी कही थी और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रिट्जर का जैसे मैकडोनल्ड फास्ट चेन को इन्होंने यूज किया था करंट सोसाइटी के काम को एक्सप्लेन करने के लिए मैकडोनल्ड्स में क्या होता है उन्होंने इसके पॉजिटिव भी बताए फिर क्रिटिसाइज भी किया कि इफेक्टिविटी है काम जो है वो इफेक्टिवली होता है प्रोडिक्टेबिलिटी है जैसे मैक बर्गर आ गया ठीक है आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है उस अकॉर्डिंग ये अपना नया जो है प्रोडक्ट वो लेके आते हैं जैसे मोमो पिज्जा का कॉम्बो शायद मैकडोनल्ड्स नहीं लाया था मुझे पूरा नहीं पता तो काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कैलकुलेबिलिटी होती है प्रॉफिट्स वगैरह को लेके एंड सेकेंडली एंड लास्टली कंट्रोल होता है तो एक कंट्रोल मैनर में वर्कर्स काम करते हैं ऑल तो ये चीज आपको नहीं ये अलग से टॉपिक तो नहीं आएगा एग्जाम में पर तो जस्ट फॉर योर सेक और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको कहा इफेक्टिविटी प्रोडक्टिबिलिटी कैलकुलेबिलिटी आप एग्जाम स्पेलिंग वगैरह खुद लिखा करो मैं जल्दी में शॉर्ट फॉर्म में लिख ले देती हूँ कैलकुलेबिलिटी एंड कंट्रोल ये सारी चीजें उन्होंने कहा मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी में होता है अब इनके नेगेटिव्स भी इन्होंने कहे कि इंसान कैसे काम करता है रोबोट ही बन गया ना वहाँ पे जाके बैठ के बर्गर बना रहा है तो वहां पे क्या हो गया कोई क्रिएटिविटी नहीं है उसमें ठीक है वो बस काम करे जा रहा है करे उसको पता है कि बर्गर कैसे बनाना है वो दिन भर बर्गर ही बना रहा है तो वो उसमें अपना कोई इनोवेशन कोई मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर सकता है अपना उसमें कोई टैलेंट वो को नहीं दिखाता है तो वो क्या कर रहा है बस काम करे जा रहा है तो इस वजह से उन्होंने मैकडोनल्डाइजेशन को डिमिमनाइजिंग कहा था एज ई मे एज वी मेक क्यूज टू गेट अ बर्गर एज इफ यू आर ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एंड स्टाफ जो है रिपीट सेम यूनडेन टास्क अगेन एंड अगेन लाइक रोबोट्स की आप रोबोट्स की तरह काम करे जा रहे हो ठीक है तो ये रिलेटेड है उनकी आई केज ऑफ रैशनल

आई थिंक मैंने आपको कहा था कि ये पढ़ने के बाद हम करेंगे डिस्कस हाँ ये कुछ कंपैरिजन वेबर का और दुर्खेम का ये आप हम पढ़ पढ़ सकते हैं 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 क्योंकि दोनों हमने लिए वेबर जो है फोकस करते मीनिंग्स पे और ये किस पे स्ट्रेस करते हैं एक्सटीरियर सोशल फैक्ट्स जो हैं दे आर एक्सटीरियर दे आर एक्ट शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स ठीक है exterior, act, things, और दे आर एक्सटीरियर टू इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल विल पे कोई उनका डिपेंड ये नहीं इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है तो ये दुर्खेम की आइडियोलॉजी थी वेबर की थी इंडिविजुअल जो है वो एक्टर्स हैं सोसाइटी में और सोसाइटी जो है वही इंडिविजुअल को चला रही है दुरखीम की आइडियोलॉजी थी वेबर ने स्टडी किए मेजर फीचर्स ऑफ ग्रेट रिलीजन इन द वर्ल्ड लेकिन इन्होंने इमाइल दुरखीम ने क्या किया और छोटी सी ट्राइब को स्टडी करके बाद में उस आइडिया को जनरलाइज किया इन्होंने कहा रिलीजन जो है फोर्स है बिहाइंड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग जैसे प्रोटेस्टेंटिज्म आ गया प्रोटेस्टेंटिज्म ने क्या किया राइज ऑफ कैपिटलिज्म लाया बुद्धिज्म ने अपोज किया कास्ट सिस्टम को जुडेइजम जो था वॉज द रिलीजन ऑफ दी ऑपरेस्ड पैलेस्टीनियन प्रेजेंट्री दैट मीन्स कहीं ना कहीं रिलीजन जो रहा है ये वेज ऑफ थिंकिंग के बीच

वेबर ने यूज की है अपने रिलीजन के थियोरीज में वेबर अनलाइक दुर्खेम अटैच करते हैं इंपॉर्टेंस टू प्रॉफिट्स इन प्रोपिगेटिंग रिलीजियस बिलीफ ये उनकी रिलीजन थियोरी में है क्योंकि तो दुर्खीम ने डिनाई किया दैट रिलीजन इज कंसर्न विद द मिस्टीरियस गॉड्स एंड स्पिरिट्स क्योंकि इनका मानना था रिलीजन जो है एज सोसाइटी की रिलीजन को सोसाइटी ने ही बनाया रिलीजन इज नॉट अबोट सोसाइटी रिलीजन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया दुर्खीम का मानना था कि रिलीजन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया सोसाइटी को सॉलिडारिटी मिलती थी इकट्ठे रहने से वो कलेक्टिव एफरवे वाली थियरी वो रिकॉल कर सकते हो आप हमने पढ़ाया मैं यहाँ डिटेल में नहीं बोलूंगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा ठीक है वेबर ने स्टडीज शोड दैट हाउ रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड एडवोकेट वैल्यूज जो डिफर करते हैं एंड एंडाइम इन ऑपोजिशन टू रैशनैलिटी और साइंस ऑन द अदर हैंड इज एम्पेरिकल ठीक है ये वेबर का माना था दुर्खेम ने कहा रिलीजन एंड साइंस बोथ प्रोवाइड सोसाइटी विद इट्स कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन सो ही डेंट सी इन एनी कॉन् एनी बिटवीन द टू क्योंकि बेसिकली वॉज नॉट वेरी मच वो ये सारी चीज़ें वगैरह के बारे में बोले तो वो कहीं कहीं ना कही, society, uh, कैसे बड़ी है बाकी सब चीजों से वो ही explain करने में लगे रहते थे हैल मार्क्स और दुर्खेम का भी मैंने यहीं कहीं देखा था वेट थ्रू दैट ऑल्सो एंड दिस विल बी द एंड ऑफ योर टॉपिक देन कार्ल मार्क्स एंड वेबर कहा गया कार्ल हाँ. मार्क्स जो है ही टेक सोसाइटी एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस लेकिन जो वेबर है स्टडी सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स ठीक है कैपिटलिज्म जो है एज वन ऑफ द हिस्टोरिकल स्टेजेस है और मोनोकॉल एक्सप्लेनेशन दी इन्होंने जो एवोल्यूशन सोसाइटी दी थी उसके एक स्टेज को बताया था कैपिटलिज्म और एक ही एक्सप्लेनेशन दी थी लेकिन इन्होंने कॉजल एक्सप्लेनेशन दी अभी एक्सप्लेन किया हमने मार्क्स ने बोला कैपिटलिज्म देखा था इन टर्मसिफ्ट इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन अगेन हमने एक्सप्लेन किया हुआ है क्या कहा था कैपिटलिज्म रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एफिनिटी इलेक्ट्रेव एफिनिटी जो हमने अभी पढ़ा इन प्रोटेस्ट एथिक एंड स्पिरट ऑफ कैपिटलिज्म दैट मीन्स प्रोटेस्ट एथिक्स के कुछ जो ये थे उनके आइडियल्स थे दैट पर कंटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म मार्क्स ने कहा कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म को एज ए ऑफ रैशनलिटी मार्क्स ने क्लास दिया था एजेंस ऑनली डायमेंशन ऑफ स्टार्टिफिकेशन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की कैपिटल सोसाइटी सिर्फ स्टार्टिफाइड है ऑन द बेस ऑफ क्लास लेकिन वेबर ने कहा था क्लास भी है स्टेटस भी है पार्टी भी है ये हम डिस्कस करेंगे स्टार्टोफिकेशन चैप्टर में जो हमें फोर्थ चैप्टर के बाद पढ़ना है स्टार्टिकेशन में हम डिस्कस करेंगे ठीक है मार्क्स फोर्सिस रेवोल्यूशन जो है एंड टू कैपिटलिज्म और वेबर कहते हैं देर इज नो एंड टू रैशनलिटी एज इट इज नेसेसरी इन मॉडर्न सोसाइटीज दिस कंपनी से मार्क्स वेबर आई होप इ क्लियर हो गया हो डू गिव थम्स अप लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो बॉय टेक केयर हैव ए ग्रेट डे